हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम परफेक्ट वर्ल्ड के नॉवल को एक्सप्लेन करेंगे। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि शिहाओ एक दूसरी दुनिया में फंस गया है जहां उसे एक एंशियंट शिप दिखती है। देखना यह है कि शिहाओ उस दुनिया से बाहर आ पाएगा या नहीं। सो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, शिहाओ अपनी इमॉर्टल पावर फिर से एक्टिवेट करने के लिए कल्टीवेशन करने लगता है क्योंकि उसकी इमॉर्टल पावर उसके अंदर एक फॉर्मेशन में फंस गई थी, जिसके बाद शिहाओ ने खुद को 3000 स्पेशल फायर में जलाकर इमॉर्टल पावर को एक्टिवेट कर लिया था। पर तभी वहां तीन क्रिएचर्स आ जाते हैं जो शिहाओ की पावर्स को कॉपी करके उस पर अटैक कर रहे थे, मगर शिहाओ उन्हें मारकर इस मैटर का पता लगाने के लिए एक पोर्टल में चला जाता है जहां उसे एक बहुत बड़ी शिप दिखती है। फिर शिहाओ उस पर गया था, तभी उसे बहुत सारा ब्लड दिखता है जो देखकर शिहाओ काफी घबरा गया था, और आगे जाने के बाद उसे बहुत बड़े बड़े पॉट दिखाई देते हैं। तो शिहाओ अपनी स्पेस बॉडी की हेल्प से उसके अंदर देखने लगा था, जो देखने के बाद तो शिहाओ के पसीने छूट गए थे क्योंकि वो पॉट ब्लड से भरा हुआ था। अब आगे नॉवल की स्टार्टिंग ठीक उसी सीन से होती है जहां शिहाओ कह रहा था आखिर इस पॉट में इतना सारा ब्लड कहां से आया, जिसके बाद शिहाओ डिसाइड करता है कि वो इस जगह को पूरी तरीके से एक्सप्लोर करेगा, साथ ही इससे बाहर निकलने का रास्ता भी ढूंढेगा। कुछ दूर चलने के बाद शिहाओ को ऊपर साइड एक पैलेस दिखाई देता है जिसके चारों ओर ब्लैक फॉग फैली थी। शिहाओ देखता है पैलेस तक जाने का कोई भी रास्ता नहीं था, इसीलिए वो अपनी पावर्स का यूज करके ऊपर जाने की कोशिश करता है, मगर यहाँ वो अपनी इमॉर्टल पावर को यूज नहीं कर पा रहा था। पर इतने में उसके आगे स्टोन का एक लैडर बनने लगा था जो सीधा टेंपल की ओर जा रहा था। अब शिहाओ उससे होते हुए पैलेस के पास पहुंच गया था, और कुछ दूर जाने के बाद उसकी नजर स्टोन कोलेड्रॉल पर पड़ती है जो मल्टी रेडिएशन रिलीज कर रहा था। यहाँ शिहाओ को क्लियरली नहीं दिख रहा था कि वहां पर क्या रखा है, इसीलिए वो अपनी डिवाइन सेंस का यूज करके उस जगह को देखने की कोशिश करता है। और फिर शिहाओ वहां का नजारा देखकर बहुत ज्यादा हैरान था क्योंकि स्टोन कोलेड्रॉल पर बहुत ज्यादा ब्लड गिरा हुआ था, साथ ही उस पर ग्रेट स्काई लॉर्ड, किंग वे लॉर्ड और यू लॉर्ड का सर भी रखा हुआ था। शिहाओ सोचता है कि वो जब से इस एंशियंट शिप पर आया है तब से उसे अजीबोगरीब चीजें दिखाई दे रही हैं। तीन सर देखकर शिहाओ का दिमाग ही हिल गया था, और अब वो उसके पास जाने लगता है कि तभी अचानक से वो तीनों सर गायब हो जाते हैं, जो देखकर शिहाओ को कुछ भी नहीं समझ आ रहा था कि यहाँ पर क्या हो रहा है, इसीलिए वो बिना रुके वहां से आगे की ओर जाने लगता है जहां पर उसे बहुत सारे स्केलेटन दिखाई देते हैं, जो देख शिहाओ उन स्केलेटन को छूने ही जा रहा था, मगर उससे बहुत खतरनाक एनर्जी रिलीज हो रही थी इसीलिए शिहाओ उसे नहीं छू पाता। तभी उसको वहां पर एक क्रिएचर दिखाई देता है जो कि ट्रू ड्रैगन की तरह लग रहा था, पर उसकी हालत काफी खराब थी इसीलिए शिहाओ उसके पास जाने लगता है। ट्रू ड्रैगन को देखकर शिहाओ सोचता है एंशियंट टाइम के क्रिएचर प्रेजेंट टाइम के क्रिएचर से बहुत अलग होते हैं, उनकी पावर्स प्रेजेंट टाइम के क्रिएचर से बहुत ज्यादा होती है। तभी अचानक से वो क्रिएचर भी गायब हो जाता है। ये सब देखकर शिहाओ थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा था कि यहाँ पर कुछ ना कुछ बहुत बुरा हुआ है, इसीलिए उसे हर तरफ लाश और खून दिखाई दे रहा है, जिसके बाद हम देखते हैं वो स्टोन कोलेड्रॉल जोर जोर से हिलने लगा था और उससे बहुत अजीब अजीब आवाजें आ रही थी जिससे शिहाओ पीछे हो जाता है, साथ ही उसकी प्रिमोडियल स्पिरिट अनस्टेबल होने लगती है। शिहाओ को ऐसा फील हो रहा था कि कोई पावर उसे रोक रही है। तभी हम देखते हैं उन स्टोन कोलेड्रॉल से डिवाइन लाइट रिलीज हो रही थी जिसकी वजह से वो आवाज आना बंद हो जाती है। इस इंसिडेंट से शिहाओ काफी डर गया था और वो कहता है उसे जल्दी यहाँ से निकल कर आगे की ओर जाना चाहिए। इतना कहकर वहां से निकलने जाता है और थोड़ी दूर चलने के बाद वो एंशियंट शिप के बाउंड्री पर पहुंचने वाला था, तभी उसे वहां पर एक डरावनी आवाज सुनाई देती है, जो सुन शिहाओ अपनी हेवनली आई का यूज करके उस जगह को सर्च करने लगता है कि आखिर ये आवाज कहां से आ रही है। तभी उसे एक बंदा दिखता है जो काफी इंजर्ड था और उसकी बॉडी खून से लथपथ थी, यहां तक उसके पूरे बॉडी पर किसी ब्लेड से हजारों वॉर करा गया था, जो देखकर शिहाओ को बहुत बुरा लग रहा था और वो सोचता है ये एक किंग की तरह लग रहा है जो यहाँ बहुत साल से कैद है और इस हालत में भी एक शील्ड को प्रोटेक्ट कर रहा है ताकि अननोन क्रिएचर डिसोलेट बॉर्डर को क्रॉस करके ह्यूमैनिटी पर अटैक न कर दे। तभी हम देखते हैं उस किंग की बॉडी से बहुत ब्लड निकल चुका था, इस वजह से उसकी मौत हो जाती है, जो देखकर लग रहा था कि मानो वो इतने साल से शिहाओ का ही वेट कर रहा हो और उसके आते ही वो मर जाता है। अब ये देख शिहाओ काफी सैड था और कहता है जब वो बहुत पावरफुल हो जाएगा तब यहाँ आकर वो उन लोगों से फाइट करेगा,
चाहे इस जगह उसकी मौत ही क्यों ना हो जाए, लेकिन वो उससे फाइट करके डिसोलेट बॉर्डर को प्रोटेक्ट करेगा। तभी उस किंग की बॉडी से एक एनर्जी निकल रही थी, शी हाओ के फोरहेड में एंटर हो जाती है, जिससे शी हाओ की बॉडी एक टेरिफिंग एनर्जी रिलीज होती है। साथ ही उसके फोरहेड पर सिन यानी पाप का सिंबल बन जाता है। शी हाओ को उस टाइम कुछ भी समझ नहीं आता कि अभी अभी उसके साथ क्या हुआ है। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक वहां पर बहुत सी एंशिएंट लैंप अपीयर होती है, जो आते ही ब्लैक फॉग रिलीज करके उस सील पर अटैक करने लगे थे। साथ ही उस एनर्जी से किंग की बॉडी भी चेंज होने लगती है, मानो जैसे वो एक डिमोनिक एंसेस्टर का रूप ले रहा हो। ये सब देखकर शी हाओ घबरा गया था और सोचता है अगर ये सील टूट गई तो ह्यूमन वर्ल्ड पर बहुत से अननोन क्रिएचर अटैक कर देंगे, जिससे अर्थ पर बहुत बड़ा डिजास्टर हो जाएगा। तभी वो देखता है दूसरी तरफ से कुछ डेड क्रिएचर्स आ रहे थे, जो दिखने में बहुत भयानक लग रहे थे, क्योंकि उनकी बॉडी से वही ब्लैक मिस्ट ऑरा रिलीज हो रहा था। और फिर वो सभी जैसे ही थोड़ा क्लोज आते हैं तो उन्हें देखकर शी हाओ और भी ज्यादा डर गया था, क्योंकि वो लोग हजारों की संख्या में थे। शी हाओ सोचता है अभी उसकी इमॉर्टल एनर्जी का कल्टीवेशन लेवल काफी लो है, इसीलिए वो उनके खिलाफ इस एनर्जी का यूज नहीं कर पाएगा, क्योंकि शायद ये डेड क्रिएचर्स एंशिएंट टाइम के बहुत पावरफुल वॉरियर्स थे। पर तभी उसे फील होता है कि जब से किंग के फोरहेड से वो स्ट्रेक ऑफ लाइट शी हाओ के फोरहेड में एंटर हुई है, तब से वो यहाँ के हर चीज से मेंटली कनेक्ट हो गया है। मतलब वो यहाँ की हर चीज को एज अ वेपन यूज कर सकता है, जिसके बाद शी हाओ इमॉर्टल पैलेस के इनहेरिटर का दोनों वेपन समन कर लेता है, जिससे वॉइड बीस्ट बोन से रिफाइंड करा गया था। और फिर वो लाइटनिंग स्पीड से उन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जहां हम देखते हैं शी हाओ और उनके बीच क्लोज कॉम्बेट फाइट स्टार्ट हो गई थी। और यहां शी हाओ अपनी फुल एनर्जी से बहुत से डेड क्रिएचर्स को मार देता है, जिसके बाद हम देखते हैं वहां 12 और क्रिएचर्स आ गए थे, जिनकी पावर्स उन क्रिएचर से भी ज्यादा लग रही थी, जो देखकर शी हाओ सोचता है कि क्या ये लोग एंशिएंट टाइम में हीरो थे, जिनकी टेक्निक को सीज करके उन्हें मार दिया गया था और फिर उनकी बॉडी को यहां सड़ने के लिए छोड़ दिया गया था, ताकि वो सभी शापित होकर अर्थ को डिस्ट्रॉय कर सके। वहीं हम देखते हैं डेड क्रिएचर का एक और ग्रुप भी मौजूद था, जिनका ऑरा इन सब में भी ज्यादा टेरिफिंग था। कहा जाता है ये अपने समय के अनयील्डिंग स्पिरिट थे, जिनका कल्टीवेशन लेवल और रेपुटेशन हाई रियम से बिलोंग करता था। और रिकॉर्ड को देखें तो अगर ये सब एक साथ शी हाओ पर अटैक करे तो उसका बचना लगभग इम्पॉसिबल है। मगर हमारा हीरो इन सब से कहां घबराने वाला था, वो तो बिना कुछ सोचे अपने वेपन से उन 12 डेड क्रिएचर्स पर अटैक कर देता है, जो लगते ही सब एक ही झटके में पीछे हो गए थे। तभी दो डेड क्रिएचर्स एक साथ मिलकर उस पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन शी हाओ एक जोरदार अटैक करके उन्हें मार देता है। और फिर वो देखता है उनमें से एक क्रिएचर का फेस एंट के फेस की तरह था, जिसे देखकर शी हाओ कहता है ये तो गोल्डन आंट है, जो 20,000 साल पहले ही मर चुका था। इतना कहते ही शी हाओ उस पर स्लैशिंग अटैक करता है, जिससे वो क्रिएचर बहुत रोकने की कोशिश करता है, पर शी हाओ का ये अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल था, इसलिए वो मारा जाता है। अब शी हाओ फेरी लाइट एनर्जी ब्लास्ट करता है, जिससे सारी एंशिएंट लैंप का ऑरा रुक गया था, जिस कारण वो एंशिएंट लैंप उनके टेक्निक को उन क्रिएचर के आगे रिवील नहीं कर पा रही थी। तभी अचानक एक क्रिएचर अपनी स्वॉर्ड से शी हाओ पर जोरदार अटैक करता है, जिससे शी हाओ के मुंह से ब्लड निकलने लगा था। शी हाओ सोचता है ये वाला क्रिएचर तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल और उसकी स्वॉर्ड भी एक मिस्टीरियस स्वॉर्ड कोर है, जरूर ये अपने टाइम में एक ब्रिलियंट योद्धा रहा होगा। जिसके बाद शी हाओ अपनी लाइटिंग स्पीड से उस पर अटैक करता है, लेकिन इतने में उसको और क्रिएचर्स खेल लेते हैं और उस पर लगातार अटैक करना शुरू कर देते हैं, जिसके रोकने में शी हाओ को काफी प्रॉब्लम हो रही थी, इसीलिए वो काफी घायल हो गया था। तभी शी हाओ पाम टेक्निक का यूज करके मल्टीपल पाम को समन कर लेता है और फिर उन पर एक जोरदार अटैक करता है, जिससे वो लोग पीछे जा गिरते हैं। शी हाओ के इस अटैक से वो पावरफुल क्रिएचर भी घायल हो गया था, मगर अभी भी वो हार नहीं मानता है और दोबारा शी हाओ पर अटैक करने के लिए आगे पड़ता है। लेकिन इस बार शी हाओ बहुत चालाकी से उस पर अटैक करके उसकी स्वॉर्ड ले लेता है और फिर तुरंत एक स्ट्राइक करके बहुत से क्रिएचर्स की गर्दन काट देता है। उधर कुछ क्रिएचर्स किंग के पास बने शील्ड को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, जो देखकर शी हाओ तुरंत उनके पास जाने लगता है, मगर इतने में क्रिएचर्स का सेकेंड ग्रुप उसके सामने आ गया था और अब वो लोग शी हाओ को मारने के लिए एक साथ ब्लैक एनर्जी से अटैक कर रहे थे, मगर उससे शी हाओ को कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि किंग के स्टिक ऑफ लाइट के
कारण वो उस एनर्जी को सरप्रेस कर देता है। साथ ही साथ स्ट्रीक ऑफ लाइट के कारण शिहाओ पूरी तरीके से हील भी हो गया था और अब शिहाओ उस पावरफुल क्रिएचर की मिस्टीरियस स्वॉर्ड को लेकर आगे बढ़ता है, जो देखकर सारे क्रिएचर्स एक कंबाइन अटैक रेडी करके उस पर अटैक करते हैं। मगर शिहाओ उनके अटैक से बचता हुआ उस स्वॉर्ड पर हमला कर देता है, जिससे बहुत से क्रिएचर्स मारे जाते हैं। अब ये देख सारे क्रिएचर्स काफी गुस्सा हो गए थे। उधर एंशिएंट लैब फिर से शिहाओ की सारी टेक्निक कॉपी करके उन्हें ट्रांसफर करने लगी थी, इसलिए वो लोग मिलकर उस पर मल्टीपल पाम अटैक कर रहे थे, जो कि शिहाओ के ही टेक्निक थी। वो अटैक शिहाओ को लगने ही वाला था, लेकिन इतने में अचानक किंग की बॉडी से एक जोरदार एनर्जी ब्लास्ट होता है, जिससे वो अटैक डिस्ट्रॉय हो गया था और वो क्रिएचर्स भी मारे जाते हैं। साथ ही इस अटैक से एंशिएंट लैम्प से निकल रही ब्लैक मिस्ट भी गायब हो जाती है। वहीं दूसरी ओर हम शिहाओ के साथियों को देखते हैं, जो 3000 ब्लू स्टोन पाथ पर खड़े होकर बात कर रहे थे कि शिहाओ को गए हुए काफी समय हो गया है, लेकिन वो अभी तक बाहर नहीं आया है। क्या वो पोर्टल बंद होने से पहले उससे बाहर आ पाएगा? उधर शिहाओ देखता है वो पोर्टल बंद होने वाला था, इसीलिए वो वहां से निकलने के लिए उस पोर्टल की ओर भागता है। लेकिन इतने में एंशिएंट शिप बहुत जोर जोर से हिलने लगती है और तभी हम देखते हैं शिहाओ के मुंह से ब्लड निकलने लगा था, मतलब उसके अंदर उस किंग का स्टिक ऑफ लाइट एंटर होने से शिहाओ और किंग का डाओ एनर्जी इंटरेक्ट हो गया था, जिससे उसकी बॉडी पोजेस नहीं कर पा रही थी। पर तभी किंग की एनर्जी और उसकी एनर्जी मर्ज हो जाती है, जिससे वो अपनी पावर का यूज करके उस पोर्टल की ओर जंप लगाता है, जिससे होते हुए शिहाओ अपने साथियों के पास आ गया था, जो देख उसके साथी काफी खुश थे। तो लिटिल रैबिट एक्साइटेड होते हुए कहती है, मास्टर आप आ गए, जिस पे वो डिवाइन स्टोन कहता है, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि सामने से बहुत से क्रिएचर्स आ रहे हैं। अब ये देख लिटिल रैबिट बहुत घबरा गई थी और देखते ही देखते वो सारे क्रिएचर शिहाओ का टेक्निक यूज करके उस पर अटैक कर देते हैं, जिसके साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट नॉवल वीडियो कब देखनी है। मिलते हैं।